मौलिक सवाल है तोहेन, वो ये कि इस देश की, मैं बार बार सेबी का जब जिक्र कर रही हूं तो आ रहा है जबान पर, द मोस्ट रेप्यूटेड संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर बाजार चलाती है, उसकी प्रमुख को ऑफशोर कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये बड़ा सवाल है। बेनामी फंड, पारदर्शी नहीं है, जिसके मालिक का पता नहीं। नहीं, उन्होंने ये IIFL के द्वारा किया था और AK मट्टू जी ने बहुत अच्छे स्पष्टीकरण दिए हैं। आप उनको जो है बीच बीच में काट रही थी, लेकिन उन बातों को आप गंभीरता से लीजिए। देखिए, कई बार जो है ना, आज से 5 साल बाद में किस पद पे रहूंगा मुझे नहीं पता, इसलिए आज जो है जो चीज मेरे लिए बाध्य नहीं है, कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, आज वो करने की आजादी है मुझे। लेकिन 5 साल बाद यदि उस पद को ग्रहण करने से पूर्व मैं उसको इन कार्यों से अलग हो जाता हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है माधवी बुच ने पूरी की थी। सर, नहीं, सारी वही तो नहीं हुआ ना, 2022 में सेबी की चीफ बनी, 2022 में सेबी चीफ बनने के 2 हफ्ते बाद तक 100% स्टेक था उनका, 100% स्टेक था ऑफशोर कंपनी में। अब आप अपनी जांच मत कीजिए, अब आप अपनी जांच मत कीजिए, मट्टू जी को बात की बात को फिलहाल मान लीजिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी पार्लियामेंट में चर्चा होगी ये विंटर के सत्र में। देखिए, आज कांग्रेस हम पर इल्जाम लगा रही है कि हम जो है अदानी के दोस्त हैं। हम दोस्त हैं इस देश के 10 करोड़ प्लस छोटे निवेशकों के, जिस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ था आज से 1.5 साल पहले, और एक और साजिश की गई थी आज से 2 दिन पहले। हम उनके मित्र हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे निवेशक जो कि बहुत भरोसा के साथ इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, वो भाग जाए मार्केट छोड़कर। सर एक सेकेंड, सुप्रिया से मैं जरा रिएक्शन ले लूं। जी सुप्रिया, फॉरवर्ड प्लान तुहिन ने कहा आप इस देश के शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस देश की इकोनॉमी के लिए खतरा है। ग्रोथ रेट को आधा कर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाकर, 10% के करीब फूड इन्फ्लेशन लाकर, युवाओं को बेरोजगार करके, और ये कह देना कि पकौड़ा तलो और मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, हम खतरा है। चलिए, इनकी बेवकूफी के सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। एक ही बात मुझे बता दीजिए आप, 2018 में उन्होंने अपना स्टेक डाइवेस्ट कर दिया था अपने पति को। ये रिपोर्ट कहती है कि मेल जो गई कि अब हम इसमें भागीदार नहीं रहेंगे, वो माधवी बुच भेज रही है। और अनिल आहूजा उनके पति के दोस्त है, लेकिन वो अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर थे, ये बात इनको नहीं पता थी। ये इतना बड़ा संयोग है कि जो विनोद अडानी जिस फंड में संलग्न है, जिसमें अनिल आहूजा जो अडानी से संलग्न है, उनको पता ही नहीं था। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, असल में स्टॉक मैनिपुलेशन तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले किया था, याद है ना, 30 लाख करोड़ जो पूरी तरह से स्वाहा हो गए थे स्टॉक मार्केट में, वो कैसे हुए थे? क्योंकि इन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटीज बताई थी, जो इससे पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री किसी गृह मंत्री ने नहीं किया था। छोटे निवेशकों को जला के उनका स्वाहा कर दिया था, सारा का सारा निवेश उनकी गाड़ी कमाई। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा अपना मानना है कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटर पे एक बहुत बड़ा सवाल है। बेशर्मी और बेहयाई अब नहीं चलेगी, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो नहीं देती है तो बिल्कुल उनको पद पे नहीं बने रखना चाहिए, क्योंकि सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। आज हम रूल ऑफ लॉ सिर्फ गरीबों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर लगाते हैं, हर बार धन्ना सेठ, हर बार शक्तिशाली लोग, हर बार सशक्त लोग। अच्छा, लेकिन सुप्रिया एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, यह हम लगातार कह रही है, आप कह रही है शी शुड स्टेप डाउन, शी शुड रिजाइन, इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बोर्ड की मीटिंग में, तो सेबी बोर्ड की मीटिंग में जिसमें निर्णय होता है उसमें तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी है, उसमें एक और मंत्रालय के सेक्रेटरी है, उसमें RBI के डिप्यूटी गवर्नर है, सब सरकारी नुमाइंदे हैं। सो गरिमा जी, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। कौन से ब्यूरोक्रेट के अंदर हिम्मत है कि वो सरकार के चहेते अडानी और उनसे मिली भगत कर रही जो रिपोर्ट बताती है सेबी चीफ के खिलाफ बोलेगा? कौन सा सरकारी नुमाइंदा बोल सकता है? मेरे सामने एक को लाके खड़ा कर दीजिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये खुलासे नहीं किए थे। सुप्रीम कोर्ट की जो जांच हुई वो अपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट को 18 महीने बाद सेबी ने कहा हमें कुछ नहीं मिला है, जबकि वो फंड की जांच हो रही थी जिनमें वो खुद कभी संलग्न थी। ये फेयर पॉइंट सुप्रिया में यहां से प्रोफेसर संतोष का दूध पानी का मानी सिर्फ JPC से हो सकता है, JPC या फिर प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। क्या अब ये जो मैटर है जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था उससे जरा मुख्तलिफ हो गया क्या?
उस समय तो सेबी को जांच करनी थी, सेबी सुप्रीम कोर्ट की नजर में एक सक्षम संस्था थी। आज की तारीख में मामला मुख्तलिफ है, जब सेबी प्रमुख पर सेबी चीफ पर भी आरोप है। वो हाँ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उस समय तो मजबूरन सेबी को ही से ही करवाना था। मगर अब वो मौका आ गया है कि अब जेपीसी से ही इसमें काम करवाया जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। मिसेस बुच नीड्स टू अपीयर बिफोर द जेपीसी एंड उनके स्वयं के रक्षा में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एज अ प्राइवेट सिटीजन उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनका धावल साहब जो उनके हस्बैंड है उनका, वो तो अलग बात है। मगर पॉइंट ये है, अब शी मस्ट रिजाइन एंड देन अपीयर फॉर द जेपीसी, और जेपीसी बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए, और जेपीसी को सारे वो हक अख्तियार होने पड़ेंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी, वरना हम नहीं चुप रहेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी, हाँ, एके मट्टो साहब, ये अगर हो जाए तो क्या देश के शेयर धारक जो है, इन्वेस्टर है, उनका विश्वास और बढ़ेगा क्या शेयर मार्केट पर, सेबी पर? ये अगर हो जाए तो क्या इसमें हर्ज है? मैडम देखिए, जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी जो है जितनी हो उतनी अच्छा है, पर सवाल ये भी आता है कि एलिगेशन जिस सोर्स ने लगाए हैं उसकी विश्वसनीयता, उसकी जो असर्शन है, उसने खुद ही कहा है कि इट्स एन ओपिनियन, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, एज ए हमारा जो जितना भी वो है, जब तक स्पेसिफिक चार्ज नहीं हो जिसमें कि डायरेक्ट लिंक आप एस्टेब्लिश करें, तब तक अगर आप हरेक को ही आप इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे तो आप अपने जो रूटीन के काम है उससे आप डीरेल हो जाएंगे। संस्थाएं, एक सेकेंड, संस्थाएं डीमोटिवेट भी होती हैं, हालांकि संस्थाओं को ये भी अपनी जो विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, उनको भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ कि नहीं जो करना चाहिए। नंबर हुआ है क्या राजेश जी, कि भाई माधवी बुच 2015 में एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, वो कंपनी उनके हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड की कंपनी है, और वो जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर है जी। फिर वो पति हस्बैंड जो है, 2017 में छोड़ दिया, 2017 में छोड़ चुका है वो अडानी की डायरेक्ट, 9 साल तक डायरेक्टर थे वो, 2017 में रिजाइन कर चुके थे, वो खत्म हो चुके थे। वेरी मच अग्री, लेकिन वो उसके बाद जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है वहां 100% हिस्सेदारी, वो सारी ऑफशोर कंपनी है राजेश जी। तो ये कुछ है मैटर ऑफ द फैक्ट, या फिर ये सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश, एक पॉलिटिकल नैरेटिव? सबसे मजेदार बात यह है कि सेबी कहता है म्यूचुअल फंड में निवेश करो, तो मैं बुच साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने डायरेक्ट शेयरों में क्यों निवेश किया? जब आप पूरा कैंपेन चला रहे हैं, एक दूसरा मैं व्यक्तिगत एक उदाहरण देता हूँ, मेरी बहू है वो अभी एक यूरोपियन बैंक में डेटा साइंटिस्ट के रूप में गई है, उससे पहली शपथ क्या दिलाई गई है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को छोड़कर शेयर मार्केट बॉन्ड में निवेश करेंगे तुरंत की तुरंत बैंक को बताएंगे। इतनी बड़ी बात ये है। ये जो कह रहे हैं राजेश जी, क्या जब अडानी ग्रुप की हेरफेर की गड़बड़ी की जांच से भी कर रही थी, तो क्या माधवी बुच ने अलग किया था खुद को इस जांच से कि भाई मैं तो हिस्सेदार हूं उनकी कंपनी में तो मैं अलग कर लेती हूं, आई विड्रॉ माई सेल्फ? नहीं, वो हिस्सेदार नहीं थी, वही तो मंटू साहब समझा रहे हैं कि 2017 में वो क्विट कर चुकी थी, वो सारे जो पहले के उनके इन्वेस्टमेंट थे। ये आप मान रही हैं, ये आप मान चुकी हैं, जबकि उसने भी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट भी अंत लास्ट वाले पेज में उसने ओपिनियन ही बताया है। तो आप प्लीज जजमेंट मत पास करिए। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष जो भारत के हैं वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं हिंडनबर्ग के लिए, जो बहुत दुख की बात है। यही बात अगर वो हिंदुओं की रक्षा के लिए किए होते बांग्लादेश में तो उनकी इज्जत बढ़ती, ठीक है, तो उनका सम्मान बढ़ता, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्ट्स टू सुप्रिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इज दैट सो? You think I should even answer that absolutely silly accusation from the BJP that you are paraphrasing? नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोकतंत्र का किस तरह से हनन करते हैं, लोकतंत्र की क्या औकात समझते हैं, वो बीजेपी ने भी दिखा दिया है। बीजेपी कभी भी न छोटे निवेशक के लिए,
ना गरीब आदमी के लिए कभी नहीं बोलेगी, गरीब आदमी पर टैक्स की मार और बड़े आदमियों के 16 लाख करोड़ माफ। मेरा अपना मानना है इतना बड़ा कांड सामने आया है, एक रेगुलेटर की विश्वसनीयता तार तार होती लग रही है, सरकार को बिल्कुल छानबीन करनी चाहिए और छानबीन ये सरकार कॉम्प्रोमाइज लॉट टू द कोर। ठीक है सुप्रिया, अब इसी पैनल में ये निकल कर आया कि भाई जो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर थे धवल भुज के हस्बैंड, उन्होंने 2017 में विड्रॉ कर लिया था, लेकिन ये 2015 जब से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ तब से 2022 की कहानी है, और ये जिम्मेदारी सरकार की कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो, अगर आरोप गलत हैं तो वो भी साबित हो और अगर आरोप सही है तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो। 456 लाख करोड़ का इस देश का शेयर बाजार है जिसकी इकलौती कर्ता धरता सेबी है। खैर, सबसे बड़ा सवाल में इतना है, इजाजत दीजिए। सबसे